नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चाहे मर जाना पड़े लेकिन सुबह उठते ही पांच काम कभी भूल कर भी मत करना। वह पांच काम कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा रहता है। कोई नहीं चाहता कि उसका दिन उलझन और परेशानियों से घिरा हुआ बीता रहे। हालांकि आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी दिन ऐसा बीतता है कि समय पर ना तो खाना मिलता है और ना ही मन को चैन। प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इसका असली कारण सुबह के समय की गई गलतियां होती हैं, जिससे आप सभी अनजान हैं। दोस्तों, अक्सर बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सुबह उठकर ऐसा काम मत किया करो। दरअसल मान्यता ये है कि कुछ गलत चीजें सुबह उठकर करने से पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। कुछ लोग उदास हो जाते हैं तो उसके साथ अशुभ घटनाएं हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि दिन की शुरुआत में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब आपको बताते हैं उन कामों के बारे में जिनको आपको सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। नंबर एक है, सुबह उठकर कभी भी व्यक्ति को अपने परिवार या अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर वाद विवाद करने से पूरा दिन तनाव बना रहता है। व्यक्ति को परिवार के साथ हमेशा प्रसन्न होकर रहना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति सुबह उठते ही झूठ बोलने लगता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। विशेषकर सुबह उठकर माता पिता को कभी बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के द्वारा सिखाई हर एक चीज बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता को अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठने का सही समय ब्रह्मा मुहूर्त बताया गया है। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाता है उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद भी सोता रहता है वो आलस का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथी बात, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं सुबह उठकर व्यक्ति को कभी अपने परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर किसी का अपमान कर देने से रिश्तों में दरार आने लगती है। सुबह उठकर व्यक्ति को हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी यह बात बताते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठकर किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को बताया गया है। सुबह उठकर क्रोध करने से व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, आप सुबह उठकर भूल कर भी इन कामों को मत करना, नहीं तो आप जीवन में कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले उसे यह चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाए लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान का बुरा समय आता है तो उसके अपने ही पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसके शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं, इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। ग्रेल के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और न ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। जातक के मुँह में वर्षा की बूंद नहीं गिरती, इसमें बादल का क्या दोष हो सकता है। यूँ समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सब शक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते और हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में फेरे जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वह अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो
हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है, यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक के संकट के समय, भाई बंधु के आपत्ति काल में, मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से एक, बगुले से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से छह और बाघ से तीन गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना और झपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, यह गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए तो इन सब बातों को बुद्धिमानी लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुन खर्चा करने वाला व्यक्ति तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखे। अच्छे बने ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों, केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। यह ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाला ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियां अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावना में बसे हैं। जैसे आपकी भावनाएं होंगी, वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू के भाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अच्छी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करते हैं, वही सच्चा महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और साथ में कौन अच्छा है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है। सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले कितना भी सुंदर हो अथवा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसी है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती हैं और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।